प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने कक्षा 9 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत अलंकार पर चर्चा करेंगे। जैसा प्यारे बच्चों आप लोगों को मालूम है कि पूरा विश्व कोरोना वायरस से ग्रसित है, त्रस्त है, परेशान है, मानवता खतरे में है। प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी रहिए सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी निर्देश जारी हो रहा है 100% उसका पालन करिए और कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी से रहने की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों आइए अब आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो अलंकार है उस अलंकार पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा आप लोगों को मालूम है कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अलम धन कार, जहाँ अलम का अर्थ होता है भूषण और कार का मतलब करने वाला। जो विभूषित करे, जो अलंकृत करे, जो चमत्कृत करे उसे हम अलंकार कहते हैं। जैसे एक स्त्री को जब उसके शरीर पर वो अपने शरीर के सारे गहनों को अलंकारों को, गहना माने अलंकार, धारण कर लेती है तो वह स्त्री अति सुंदर दिखाई पड़ती है। जब उन गहनों को यानी अलंकार को जब अपने शरीर से हटा लेती है तो उसकी सुंदरता कम हो जाती है। ऐसे हम साहित्य के क्षेत्र में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अवयवों को हम अलंकार कहते हैं। एक लाइन में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अवयवों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार का होता है, एक शब्दालंकार एक अर्थालंकार। तो शब्दालंकार वह होता है जहाँ शब्दों में चमत्कार पाया जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार किसे कहते हैं? जहाँ अर्थों में चमत्कार पाया जाए वहाँ अर्थालंकार होता है। तो शब्दालंकार में जो आने वाले हैं वो अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है। और अर्थालंकार में 100 से अधिक अलंकार आते हैं, जैसे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है। अब आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत सिर्फ 3 अलंकार पढ़ना है, एक अनुप्रास अलंकार पढ़ना, एक यमक पढ़ना, एक श्लेष पढ़ना है। तो आइए बच्चों पहले हम अनुप्रास पर बात करें। जैसा आप लोग को मालूम है कि अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है, अनुधन प्रास, जहां अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है पास पास। यानी जहां एक ही वर्ण बार बार और पास पास आया हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक बार और सुनिए, अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना, अनुधन प्रास, अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब होता है पास पास। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार और पास पास आए उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। प्यारे बच्चे उदाहरण के रूप में जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देख रहे हो च वर्ण की आवृत्ति बार बार आई है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तरणि तनुजा तर तमाम तरवर बहुछाए, यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। ठीक है, भाषा भाव भेष भोजन में भारतीयता का अभिमान, यहाँ पे भव वर्ण की आवृत्ति बार बार आई है इसे अनुप्रास अलंकार हुआ। भगवान भक्तों की भयंकर भूर भीत भगाइए, यहाँ पे बच्चों कौन सा वर्ण बार बार आया हुआ है? भ, इसे अनुप्रास अलंकार हुआ है। छोरटी है गोरटी या चोरटी अहिर की, अब बच्चों बताओ इसमें कौन सा वर्ण बार बार आ रहा है? ट, ट वर्ण बार बार आ रहा है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा वर्ण बार बार आया है? र, इसलिए अनुप्रास अलंकार हुआ है। आप लोग एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं सुनता हूँ, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाया, ऐसे कुछ आप लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति बार बार आई है इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हुआ है। अब आइए हम दूसरे अलंकार पर बात करें, यमक। यमक, यमक जहाँ एक कोई शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। एक बार बच्चे और सुनो, जहाँ पर कोई शब्द एक से कई बार आए लेकिन उसका भी अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी माँ दखता अधिकाय, वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द दो बार आया तो एक कनक का मतलब होता है धतूरा और एक कनक का मतलब होता है सोना। कहें कभी, दूसरा उदाहरण देख लो बच्चों, कहें कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, बेनी बेनी दो बार आया है तो एक बेनी का मतलब होता है एक कवि हैं और एक बेनी का मतलब होता है चोटी, जैसे लड़कियां चोटी बांधती हैं तो एक कवि बेनी हुए, बेनी प्रसाद, और एक कवि का, एक बेनी का मतलब होता है चोटी हुआ। और अगला उदाहरण,
तीन बेर खाती हुई, तीन बेर खाती है, तीन बेर का मतलब सुबह दोपहर शाम, और एक तीन बेर का अर्थ होता है कि एक प्रकार का फल। अब अगला जो अलंकार है बच्चों वो श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ एक ही शब्द में एक से अनेक अर्थ चिपके हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी, पानी का अर्थ मोती के रूप में, मानुष के रूप में और चून के रूप में है। तो मानुष के, मानुष मैंने मनुष्य के रूप में पानी का अर्थ होता है इज्जत मान सम्मान, और मोती के रूप में चमक, और चून के रूप में जीवन। अगर मनुष्य के जीवन में पानी माने सम्मान न रहे तो उसका जीवन बेकार है, मोती में अगर चमक नहीं रहे तो फिर मोती का कोई कीमत नहीं है, और चूने में अगर पानी न रहे तो उस चूने का कोई महत्व नहीं है। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, नवजीवन दो घनश्याम हमें। तो नवजीवन, एक जीवन का मतलब होता पानी और एक जीवन का मतलब होता जीना। घनश्याम, एक घनश्याम का अर्थ होता है कृष्ण और एक घनश्याम का होता है काला बादल। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, और उदाहरण अगर लेना है तो जैसे चरण धरत चिंता करत चितवह चारी ओर, और सुबरन को ढूंढत फिरत कवि वे बिचारी चोर। यहाँ सुबरन का अर्थ कवि के रूप में, चोर के रूप में, व्यभिचारी के रूप में अलग अलग है। तो कवि के रूप में है सुबरन का मतलब सुंदर, वर्ण माने अच्छा, और व्यभिचारी के रूप में सुंदर शरीर वाली, और चोर के रूप में सुबरन का अर्थ होता है रुपया पैसा सोना चांदी गहना आदि। तो मुझे आशा है मेरे प्यारे बच्चों कि अलंकार आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप हमसे हमारे नंबर पर, चाहे जब कहीं भी आपको समस्या हो उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। धन्यवाद।